हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। रिजल्ट और जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया है उसे बहुत बहुत बधाइयाँ। दुख इस बात का होता है कि बच्चों का जो रिजल्ट है ना, मुझे फेसबुक से पता लग रहा है कि हाँ सर, फेसबुक में अपडेट होता है कि हाँ हम पास हो गए, हम सीए बन गए। प्लीज़ एटलीस्ट एक मैसेज तो कर दो कि हाँ सर मेरा क्लियर हो गया। खैर जो भी हो, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत अच्छा लगा, बड़े सारे बच्चे पास हुए। हाँ कुछ बच्चे हैं या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट नहीं हो पाया। अगर मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं कि यार चलो जो हो गया ये हो गया वो, कोई मतलब नहीं। आपको खुद से सेल्फ मोटिवेशन होना पड़ेगा। मैं जानता हूं आज का दिन अच्छा नहीं है जिन बच्चों का अटेम्प्ट नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, कुछ किया भी नहीं जा सकता। भूल जाओ सब कुछ, कहना आसान है मेरे लिए, पर हाँ मैं जानता हूँ मुश्किल है। पर बस एक ही एडवाइस दूंगा, एक ही एडवाइस दूंगा, बिल्कुल याद रखो। जनरली क्या होता है, अटेम्प्ट नहीं निकलता उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम ये आती है कि हमको ऐसा लगता है यार वही नोट्स, फिर वही कॉपी, वही बुक्स फिर से उठाना और काम करना है। लेकिन आप एक काम करो, नए सिरे से शुरुआत करो। भूल जाओ यार जो पढ़ा था हो गया, एक नया रजिस्टर लेकर आओ और फिर से नोट्स बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई क्लासेस फिर से लीजिए, जरूरत ही नहीं फिर से कोई भी क्लासेस, किसी भी क्लास। अगर आपने पहले क्लास लिया हुआ है, मोर देन सफिशियंट है। नोट्स फिर से बनाइए, फिर से क्वेश्चंस कीजिए, पक्का आप एक नए सिरे से शुरुआत करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार उन्हीं नोट्स को उठाते हैं, पेज पलटाते हैं, हो तो गया है, वापस क्या करें, तो लॉस है। कहीं ना कहीं कमी हो गई होगी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मेरे लिए बोलना आसान है हालांकि, पर ठीक है, भूल जाओ, आज का दिन निकालो, कल से बिल्कुल स्टार्ट कर दो, नए सिरे से, नए नोट्स, नया रजिस्टर, मजा आ जाएगा करने का। है 2-3 माह है, आराम से निकल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो क्यों बनाया गया है भाई, वो लोग जो पास हो गए हैं कम से कम कमेंट्स में जरूर डालिएगा पास हुए या फेल हुए। मुझे फेसबुक से पता लग रहा, बड़ा अच्छा नहीं लगता। अच्छा दूसरी बात, जो मुझे ये वीडियो क्यों बनाया है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना है, स्पेशली सीए फाइनल और जिनका ओल्ड कोर्स है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। सर ओल्ड कोर्स में अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बचे कितने हैं, बड़े कम। एक ये होगा और इसके बाद वाला एक। ओल्ड सिलेबस में प्रॉब्लम ये आ रही कि कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, सर और क्या है, एक है आपका डिविडेंड, चौथा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, और पांचवा ले लीजिए फैक्टरिंग। अब सर प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। प्रॉब्लम बस इतनी सी है बेटे कि ओल्ड सिलेबस में अब इन चैप्टर्स की क्लासेस पता नहीं, शायद ही कोई टीचर्स लेते होंगे, क्योंकि सारे टीचर्स का ध्यान न्यू सिलेबस पे है। अब हमको इन चैप्टर्स, हालांकि हमने क्लासेस पहले से ले रखी, पर इन चैप्टर्स भूल गए होंगे या जो कुछ भी हो गया, तो आखिर कहाँ जाए, किससे क्लास ले। मैं सर तो हम आपके पास से परचेस कर ले, नहीं मैं अपनी क्लासेस को बिकवाने के पर्पज से यहाँ नहीं आया हूँ। बस इंपॉर्टेंट बात मैं जो बोलने जा रहा हूँ ठीक से सुनना, स्पेशली ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे। डिविडेंड जो चैप्टर है, डिविडेंड हालांकि इजी है, ये सारा की सारा फुल चैप्टर मेरे चैनल पे डला हुआ है, प्रैक्टिस मैनुअल के सारे क्वेश्चंस कवर है, तो आप चाहो तो यहां से रिवाइज के पर्पस से देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करके ये भी यूट्यूब चैनल पे डला हुआ फुल चैप्टर, पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर है, और फैक्टरिंग में भी पूरा प्रैक्टिस मैनुअल कवर है, ये भी मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है। तो सर प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम दो बड़े चैप्टर में, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग। तो सर क्या करें इसके लिए, आप क्या मेरे पास से खरीदोगे, नहीं आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। कल से ही
मैं कैपिटल बजटिंग, ध्यान से सुनना बेटे, कैपिटल बजटिंग और लीजिंग, ये पूरा की पूरा कंप्लीट चैप्टर मेरे चैनल में डालना स्टार्ट कर दूंगा। 10 क्लासेस होगी, तो एक साथ सारी क्लासेस डालने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो डेली में एक क्लासेस डाला करूंगा। 10 क्लासेस में मेरा कैपिटल बजटिंग खत्म हो जाएगा, लीजिंग 5 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, तो ये करीब 10-15 दिन में एक एक दो दो घंटे की क्लासेस आपका हो जाएगा। खास बात है कि जो बच्चे प्रैक्टिस मैनुअल पे विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए तो अच्छी बात है कि पूरा की पूरा प्रैक्टिस मैनुअल के कवर विद कॉन्सेप्ट यहाँ कवर हो जाएंगे। तो सर बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कैपिटल बजटिंग और लेजिंग मैं कल से अपने चैनल में डालना स्टार्ट कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जिनको ऐसा लगता है कि यार, जिनको नहीं लगता तो बहुत अच्छी बात है, जिनको लगता है कि यार भूल गए रिवाइज करना है, मत खरीदना, मेरे पास से भी मत खरीदना, चैनल में आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है? आपको अलग से, अच्छा सर इसकी बुक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सीधा सीधा वहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। कैपिटल बजटिंग, लीजिंग, प्रैक्टिस मैनुअल पूरा कवर रहेगा, आरटीपी वगैरह, पर प्रैक्टिस मैनुअल के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है आरटीपी से है, तो वो पूरा की पूरा ही कवर हो जाएगा। नॉर्मल जैसी क्लासेस होती है ना सर, वैसे मैं क्लासेस ही अपलोड करने वाला हूँ पूरा यूट्यूब में। तो बस एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये बात मेरा वीडियो सुन रहा है, बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चे जिनका ओल्ड सिलेबस है, प्लीज़ उनको ये वीडियो मेरा शेयर कर लीजिए, कर दीजिएगा, एटलीस्ट उनका फ़ायदा हो जाए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो सब कुछ भूलते हैं और फिर से नई स्टार्ट करते हैं कल से, और जो बच्चे पास हो गए मेरी तरफ से फिर से बहुत 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 बधाइयाँ। बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा सीए बन गया, और फेसबुक पर देखकर लग रहा है, प्लीज़ कम से कम एटलीस्ट 1 मैसेज कर दीजिए कि हाँ जी मेरा अटैम्प्ट निकल चुका। थैंक यू वेरी मच।